नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको जो यथ हिंदी बुक सॉल्यूशन का पार्ट टू कराया जाएगा। इससे पहले मैंने पार्ट वन अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूँगा वो देख लीजिए ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और जो बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है हिंदी का। दोस्तों, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये बेसिकली कोर्स, पूरा कोर्स विजय सर द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार फैकल्टी है। लगभग 5 से 6 साल का इनको अनुभव है और इन्होंने काफ़ी एग्जाम क्लियर किए हैं। यूपीएसआई, यूपी कॉन्स्टेबल, एमपीएसआई वगैरह के एग्जाम इन्होंने क्लियर किए हुए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से विजय सर आपको करवाएंगे। और संपूर्ण सामान्य हिंदी का ये हमारा बेसिकली सेशन चल रहा है, हमारा पार्ट टू है। साथियों, आप किसी भी इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, लेखपाल, जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके यहाँ से इस बुक से सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी का मतलब पूरा एक क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं आयोग इससे बाहर क्वेश्चन पूछता नहीं है, हमेशा आयोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। तो ये सबसे अपनी सबसे पॉपुलर बुक है। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं इसकी बुक। ठीक है, दोस्तों, काफ़ी इनसे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आप युद्ध का जो जनरल हिंदी का बुक आता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में, इसका आप कंप्लीट कोर्स लॉन्च कीजिए। क्योंकि दोस्तों, लेखपाल का एग्जाम आ रहा है तो बच्चों का डिमांड आ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों, हमने एक बहुत ही शानदार फैकल्टी, जो कि आपके विजय सर हैं और जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी, लगभग 5 साल का अनुभव है, इनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चों को एक कोर्स बच्चों के लिए लॉन्च किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों, एक आप लोगों के लिए उन्होंने कोर्स लॉन्च किया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और शानदार कोर्स है, जो कि केवल और केवल आपको 99 रुपये में दिया जा रहा है। 99 रुपये में दोस्तों, दुनिया में कोई भी आपको इतना सस्ता कोर्स नहीं दे सकता है। ठीक है, और यूपी लेखपाल और कांस्टेबल एग्जाम को ये टारगेट करते हुए बैच लॉन्च किया जा रहा है। इसमें आपको युद्ध का कंप्लीट जितनी भी इसमें क्वेश्चन है आपके, जो युद्ध की जो कंपनी टाइम्स की बुक आती है, जो कि बहुत ही शानदार बुक है, पूरा कंप्लीट बुक आपको कराया गया है विजय सर के द्वारा, है ना। और यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस, जितने भी आपके एग्जाम हुए, जितने इसमें पूरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हिंदी के, जितने भी प्रीवियस सारे पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो आपको सब कराए गए हैं इस कोर्स में। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स इसमें आपको साथ ही पीडीएफ दी जाएगी। यूपी लेखपाल और कांस्टेबल वालों के लिए कोर्स बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। साथ ही यूपी कांस्टेबल में जानते हैं आप 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, उसी प्रकार लेखपाल में आपकी 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। दोस्तों, हिंदी का जो पोजिशन है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहीं से दोस्तों आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, एक कोर्स बेसिकली आपको ऑफर पीरियड में दिया जा रहा है, जो कि केवल और केवल 99 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि केवल और केवल 1,000 स्टूडेंट के लिए है। केवल ये ऑफर दोस्तों है, केवल जो शुरू के 1,000 बच्चे हैं उनके लिए ऑफर दिया जा रहा है। और दोस्तों, इस कोर्स की सबसे अच्छी बात ये है कि वैलिडिटी आपको इसमें लाइफ टाइम दी जा रही है। लाइफ टाइम समझते हैं भाई क्या होता है लाइफ टाइम, मतलब साथियों ये होता है 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आप पढ़िए और आपका सिलेक्शन हो जाए तो भाई आपकी मैडम पढ़ेंगी फिर, ठीक है, तो आपके भाई लोग भी पढ़ सकते हैं उसी आईडी से, है ना। दोस्तों, लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही है, दुनिया में इससे सस्ता कोर्स आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, बुक भी नहीं आती यार इतनी सस्ती। तो किसी भी प्रकार को आप कोई भी जानकारी लेनी हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, पीडीएफ भी आपको कंप्लीट दी जाएगी। अब हम अगर बात करें दोस्तों बुक की, तो आपकी भाई बुक कितने की आती है, कंपेरिजन भैया अपन लोग करते हैं, तो कंपेरिजन करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम साथियों आपसे इसकी बात करें कि कंपेरिजन अगर हम आपको करके बताएं कि कंपेरिजन अगर अदर प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो किस प्रकार की आपको चीज़ें मिलेंगी। देखिए दोस्तों, देखिए, अगर आप ये बुक अमेजोन से मंगाना चाहते हैं तो अमेजोन से आपकी बुक ऑफलाइन आ जाएगी घर पर, जो कि आपकी 323 रुपये में आएगी। 323 रुपये में आपकी ऑफलाइन आएगी, जिसको मैं कोई भी सॉल्यूशन, मतलब जो बुक है बस वही आपको चीज़ें कराई जाएंगी, कोई भी आपका डाउट होगा कुछ भी आपके क्लियर नहीं होंगे बुक के माध्यम से, है ना। और इसके अलावा अगर आप अमेजोन किंडल से लेते हैं बुक, जो कि ई बुक सेल करता है, अमेजोन का किंडल वर्जन, बेसिकली दोस्तों इसमें आपको ई बुक मिलेगी, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में बुक मिलेगी, जो कि 148 रुपये में आपको मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों अगर हम गुरुकुल प्लस की बात करें तो गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म का चार्ज है केवल और केवल 99 रुपये। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, साथ में पीडीएफ भी दी जा रही है, भाई इससे सस्ता क्या मिलेगा आपको बताइए। और लाइफ टाइम वैलिडिटी सबसे बड़ा ऑप्शन होता है दोस्तों, लाइफ टाइम वैलिडिटी सबसे बड़ी बात होती है। बुक भी आप लोगे 2 साल में 3 साल में ख़राब हो जाएगी, है ना, लाइफ टाइम वैलिडिटी आपकी हमेशा चलेगी।
जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, मैं पूरी दुआ करूंगा कि आपका इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा, आप ये पूरा बुक करके आएंगे सामान हिंदी का। तो हिंदी का तो दोस्तों कंप्लीट आपका, मतलब यहीं से क्वेश्चन आपको फंसेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि आयोग हमेशा पिछले साल से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। अब भाई आपकी आपकी मैडम तैयारी करेंगे तो आप उनको भी एक कोर्स दे सकते हैं इसी, मतलब आपको पैसा नहीं देना है, आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दे दीजिएगा तो वो आपकी आईडी से देख लेंगे, आपके भाई लोग भी देख सकते हैं। 99 रुपये आपको केवल केवल नाममात्र शुल्क आपसे लिया जा रहा है, ताकि केवल और केवल सीरियस बच्चे इस कोर्स को ले सकें। फ्री भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, जो फ्री की चीज़ करते हैं तो उसमें वैल्यू नहीं होती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा नाममात्र आपसे शुल्क रखा गया, ताकि हम लोग सर्वर वगैरह का चार्ज निकाल सकें, है ना। बाकी यार कुछ हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम लोग दोस्तों उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि भाई खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना, बस इतना यार सर्वर का चार्ज वगैरह हम लोग निकाल सकें, बस इतना ही आपसे फीस रखी गई है। ठीक है भाई, अब हम आपको बताएंगे साथियों कि आपको कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कोर्स में आकर आपको जानकारी चीज़ें क्या क्या मिलेंगी, तो कोर्स की अपन बात करते हैं। देखो इस प्रकार का कोर्स आपका इंटरफेस आएगा, स्टोर प्लेटफॉर्म में साथियों आपको ये कोर्स मिलेगा। जैसे ही स्टोर प्लेटफॉर्म खुलेंगे तो आपको कोर्स दिख जाएगा, और जी बेसिकली मैं वेबसाइट पर आपको बता रहा हूँ, और ऑफर में आपको 99 रुपये आपको ये कोर्स मिल रहा है। और इसके अलावा देखिए आप, अगर हम कंटेंट की बात करें, कंटेंट आपको आखिर क्या क्या मिलेगा, तो कंटेंट आप देख लीजिए एक बार, और कंटेंट आपके सब हैं इसमें, आपको लगभग वीडियो कंटेंट लगभग आपको 53 वीडियो दी जाएंगी, जैसे ही आप परचेज करेंगे कोर्स को, और हाल के साथ आपकी वीडियो एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है, हाल के हाल आपका आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों इसमें कंप्लीट क्वेश्चन पीडीएफ आपको दी जाएगी, कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ दी जाएगी, 57 फाइल्स आपको अपलोड हैं यहाँ पर इसमें, ठीक है। और कंप्लीट बुक की पीडीएफ कंप्लीट आपको दी गई है, जो कि कंप्लीट बुक है उसकी पीडीएफ दी गई है ना, और ये भी आपको मिल जाएगा। और कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ, जितने भी क्वेश्चन सर ने बताए हैं वो सब आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। अब अगर हम वीडियो सॉल्यूशन की साथियों बात करें, और तो वीडियो सॉल्यूशन आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके रख रहा हूँ भाई, कोई भी आपको समस्या ना आए। देखो इस प्रकार से क्लासें आपकी बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में डाली गई, हिस्ट्री हिंदी की क्लास 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के साथियों आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे में क्लासें डाली गई हैं, ठीक है। इसमें आपको डाउट ग्रुप भी दिया जाता है, कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बाकायदा आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के साथियों आपको पूरा क्लासेस दी जाएंगी बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे में, है ना। और 56 आपकी क्लासें इसमें अपलोड की गई हैं, 56 क्लासें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही शानदार क्लासें हैं, इसको आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा मैंने डेमो वगैरह भी यूट्यूब पर डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी साथियों अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर, कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ की ओर। कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ में किस प्रकार की आपको पीडीएफ मिलेंगे देखना भाई, बात अच्छे से देखना। देखो यार ऐसी आपको पीडीएफ दी जाएंगी, क्लास 5 की विशेषण की पीडीएफ है तो आपको ये दिख जाएगी, तो आपको साथियों इस प्रकार से आपको पीडीएफ दी जाएंगी। देखो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। साथियों मैं बिल्कुल मैं आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके रख रहा हूँ, ताकि आपको बाद में किसी तरीके की आपको समस्या ना आए, ठीक है। आप बिल्कुल देख लीजिएगा क्या क्या आपको चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। देखिए साथियों इस प्रकार की आपको सारी पीडीएफ दी जाएंगी, ठीक है, और लगभग 56 फाइल्स हैं तो आपको जो दी जाएंगी। और देखिए आप चूँकि अपलोड हो रही है, देखो देख सकते हैं साथियों इस प्रकार की आपको पीडीएफ दी जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार की साथियों पीडीएफ मैंने इसलिए डाली है क्योंकि आप बच्चे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस में कैसा भाई, कोई भी क्वेश्चन है आप, जैसे आपने भाई प्रैक्टिस आप जैसे क्वेश्चन आपके आपने पूरी वीडियो देख ली, अब आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको इस प्रकार से डाली गई बिना आंसर वाली पीडीएफ, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और खुद से जितने दोस्तों देखिए इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से घोल के पी जाना, इनसे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा हिंदी का, है ना, सारी एग्जाम कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस प्रकार की बेसिकली मैंने सब पीडीएफ आपको डाल रखी हैं, देख सकते हैं आप। अब अगर हम इसकी बात करें जो परिभाषा और भेद वगैरह, और इस प्रकार से आपको सब मिल जाएगा कंप्लीट, बिल्कुल कोर्स कंप्लीट पैकेज आती हूँ आपका, है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आप
ठीक है। तो साथियों इस पे कहा कि आपको सब पीडीएफ वगैरह सब कंटेंट आपको मिल जाएगा, और इसमें आपको बेसिकली कंप्लीट बुक की पीडीएफ दी जाएगी। कंप्लीट बुक की पीडीएफ मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है। कंप्लीट बुक की पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी, जिसमें पूरा आपको बिथ बिथ सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है भाई। और तो दोस्तों देखिए 53 आपको वीडियो दी जाएंगी, 57 फाइल आपकी, 57 आपको ये वाली पीडीएफ है, और आपकी पूरी कंप्लीट बुक की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी विद सॉल्यूशन, ठीक है। दोस्तों ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है, इस ऑफर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल दोस्तों भटकें बिल्कुल भी ना, 99 रुपये में भाई इससे सस्ता कोर्स आपको पूरी दुनिया में ना मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑफर को आप इस कोर्स को ले सकते हैं, जो कि बहुत शानदार कोर्स है, ठीक है। और किसी प्रकार की आपको समस्या, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे 8851529691 पर। और इसके अलावा दोस्तों 10920 इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको कंप्लीट कराए गए हैं, ठीक है। कंप्लीट बेसिकली रिकॉर्डेड बैच है आपका, है ना। चलिए दोस्तों आई होप कि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे इस कोर्स के रिगार्डिंग, है ना। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है। अब इसमें बताना कि किस प्रकार के विशेषण है, चलिए बताइएगा किस प्रकार के विशेषण है। तो ये विशेषण दोस्तों गुणवाचक, किस प्रकार का है, गुणवाचक विशेषण है, क्या हो जाएगा गुणवाचक। तो बी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे साथ जुड़े लास्ट तक, जरूर आपको इससे फायदा होने वाला दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। देखिए अगला है क्वेश्चन क्या है, गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए विशेषण के प्रकार हो गए चार, क्या विशेषण जो होता है दोस्तों, तो विशेषण के प्रकार होते हैं चार, कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के विशेषण होते हैं। अब उसमें से विशेषण के तो प्रकार हो गए चार, अब गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण के जो प्रकार होते हैं सात प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सात प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, क्या समझदार शब्द जो है विशेषण का कौन सा भेद है, सर्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाण विशेषण है, गुणवाचक समझदार। देखिए समझदार की बात की जाए तो समझदार एक क्या है, गुण है। समझदारी क्या है, तो समझदारी क्या है, तो समझदारी एक गुणवाचक है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोह शब्द कौन सा विशेषण है, क्या दोस्तों मोह शब्द जो है कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, बताइएगा मोह शब्द कौन सा विशेषण है, ये आपको बताना है। तो यह दोस्तों आपका गुणवाचक विशेषण है, क्या है, गुणवाचक विशेषण है मोह शब्द, इसका राइट आंसर होगा डी, क्या होगा इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा जो है गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, तो ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात, बहुत लंबी रस्सी, देखिए कौन जो है गुणवाचक का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। 58 का राइट आंसर बताइएगा, कौन जो है गुणवाचक का विशेषण नहीं है, तो बहुत लंबी रस्सी ये गुणवाचक नहीं है, देखिए ये कोई गुण नहीं है दोस्तों, बहुत लंबी रस्सी ये आपका कोई गुण नहीं है, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति ये भी गुण है, ऐतिहासिक ये भी गुण है, पाश्चात ये भी गुण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी होगा राइट आंसर, क्या राइट आंसर होगा, डी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में जो योग्य है क्या है, आखिर योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इसमें योग्य जो शब्द है वो आपका क्या है, तो योग्य दोस्तों आपका परिमाणवाचक विशेषण है, क्या दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण है, ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी का, दोस्तों उत्कर्ष जो है एक कुशाग्र विद्यार्थी है, इसमें कुशाग्र क्या हो जाएगा, जो कुशाग्र है इसमें क्या होगा, तो कुशाग्र बुद्धि, बोल रहे हैं कुशाग्र बुद्धि है, कुशाग्र विद्यार्थी है
है ना, कार्य में कुशाग्र है, ये एक गुण होता है। क्या होता है? एक ये एक प्रकार का गुण होता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर डी। क्या होगा राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, बताइएगा। जो प्राचीन शब्द दोस्तों, क्या जो प्राचीन शब्द है विशेषण के किस प्रकार में आता है, बताइएगा। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर कर दीजिए। तो ये आता है गुणवाचक में आता है। किस में आता है? गुणवाचक में आता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए लोअर में आ गया था, ये लोअर एग्जाम में आया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, दृश्य बहुत ही मनोरम है। क्या है? मनोरम है। इसमें जो मनोरम क्या है, गुणवाचक विशेषण है कि परिमाण है कि संख्या है, बताइएगा। देखिए संख्या तो है नहीं, संख्यावाचक तो है नहीं। देखिए मनोरम दृश्य ये क्या है? ये गुण है। क्या है? ये गुण है। तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा मनोरम। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण भेदों को किस श्रेणी में आता है, बताइएगा। जैसे पुराना शब्द क्या है? शब्द पुराना है, तो विशेषण के किस श्रेणी में आएगा ये, चलिए बताइए। तो ये आएगा विशेषण के गुण, किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। जैसे नया वस्तु, पुराना वस्तु, सब क्या है? वस्तुओं के गुण है। कहते हैं ना नया पेन, तो पेन जो है एक वस्तु है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? नया। तो ये हो जाएगा उसके गुण है ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या राइट आंसर होगा? डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, गीला क्या है? क्या दोस्तों? गीला है सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है। चलिए बताइएगा गीला और सूखा क्या है दोस्तों? देखिए गीला और सूखा ये सभी क्या है? गुण है। क्या दोस्तों? गीला और सूखा ये सभी क्या है? ये गुण है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? क्या दोस्तों? जो छोटा है किस प्रकार का विशेषण है, बताइएगा। किस प्रकार के विशेषण है? देखिए छोटा है, बड़ा है, मध्यम है ना, ये सभी क्या है? ये सभी वस्तुओं के गुण आते हैं। क्या है? ये वस्तुओं के, ये सभी वस्तुओं के गुण है दोस्तों। जैसे बोल दिया गया वस्तु छोटा है, वस्तु छोटा है, तो ये छोटा बड़ा क्या है? ये वस्तु के क्या है? ये गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? ये वस्तुओं के गुण बता रहा है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? क्या ठंडा जो है किस श्रेणी में आता है? 66 का राइट आंसर बताइए। तो जो ठंडा आता है दोस्तों, ये आता है गुणवाचक विशेषण। किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, धुंधला शब्द में विशेषण बताइए क्या है? धुंधला शब्द में क्या विशेषण है? धुंधला हो गया, उजाला हो गया, ये सब क्या है? तो ये सभी दोस्तों है गुण है। क्या है? ये आपका गुण है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए संख्यावाचक विशेषण सर्वनामिक तो होगा नहीं, धुंधला उजाला ये सभी क्या है? गुण है। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सरीखा शब्द में विशेषण है। क्या सरीखा शब्द में विशेषण है? कैसा विशेषण है सरीखा शब्द में? तो सरीखा शब्द में विशेषण है ये भी एक क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। क्या सरीखा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए विशेषण कितने प्रकार होते हैं? चार। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो विशेषण के प्रकार होते हैं चार। विशेषण किसको कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले को बोलते हैं प्राविशेषण। क्या बोलते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं प्राविशेषण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस बात में छोटी सी विशेषता क्या है, बताइएगा। खोटी सी
बोल रहा है यह चांदी जो खोटी सी दिखती है। तो जो खोटी सी है इसमें जो विशेषण है बताइए, इसमें किस प्रकार का विशेषण है? 69 का, क्या 69 का राइट आंसर बताइए। इसमें जो दोस्तों आपका गुणवाचक विशेषण है, क्या दोस्तों? इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ए नंबर राइट होगा, क्या ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीठा अमरूद, क्या है क्वेश्चन? मीठा अमरूद में जो मीठा है इसमें किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिएगा इसमें जो जैसे ना, देखो मीठा अमरूद, खट्टा अमरूद है ना, इस प्रकार से मीठा, खट्टा, चरपराहट, नमकीन, ये सब का है, ये सब एक गुण है, क्या है? वस्तुओं के एक गुण है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बी नंबर राइट होगा, क्या होगा दोस्तों? बी नंबर राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वती कौन सा विशेषण है? क्या पर्वती जो है कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है? पर्वती, चलिए बताइए पर्वती जो है कौन सा विशेषण है? तो पर्वती जो शब्द दोस्तों ये आपका गुणवाचक विशेषण, कैसा है? गुणवाचक विशेषण है जो आपका पर्वती, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो शब्द है विशेषण है? क्या दोस्तों? निम्न में से कौन सा जो शब्द है विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ, ये लिखना, बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो विशेषण है? 72 का आंसर बताइएगा, कौन सा जो शब्द है विशेषण है? देखिए चमकीला जो शब्द है ना, क्या दोस्तों? चमकीला जो शब्द है ये आपका विशेषण है। बी इस प्रश्न का राइट होगा, क्या होगा? बी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है विशेषण है? क्या दोस्तों? देखो सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई, बताइए इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है? चलिए बताइए, देखिए विद्वान, ये विद्वान जो है ना विशेषण शब्द है, जिसे बोल दिया गया, समझिएगा कि देखिए क्वेश्चन है कि राम विद्वान व्यक्ति है। अब देखिए व्यक्ति तो होगा संज्ञा, अब व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? विद्वान, ये व्यक्ति कैसा है दोस्तों? तो ये व्यक्ति क्या है? विद्वान है। ये व्यक्ति कैसा है? तो ये व्यक्ति आपका है विद्वान है। तो विशेषता देखिए, व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है दोस्तों? तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है विद्वान, इसलिए विद्वान क्या है यहाँ पर? तो विद्वान यहाँ पर है विशेषण है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, बनारसी में कौन सा विशेषण? देखिए बनारसी शब्द पहले भी आ चुका है, तो बनारसी में कौन सा विशेषण है? चलिए बताइए बनारसी में कौन सा विशेषण है? चलिए बताइए बनारसी में कौन सा विशेषण है? चलिए सभी लोग बताएंगे, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को राइट आंसर करना है। चलिए बताइए बनारसी में कौन सा विशेषण है? चलिए तो हम जैसे हम बताते रहे हैं, हाँ राइट आंसर आ रहा है कई लोग का, बताइएगा। तो ये दोस्तों बनारसी में जो दोस्तों गुणवाचक विशेषण है, क्या है? गुणवाचक विशेषण है बनारसी में, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लंबाई से विशेषण बनेगा, क्या दोस्तों? लंबाई से विशेषण बनेगा, बताइएगा लंबाई से किस प्रकार का विशेषण बनेगा? 76 का राइट आंसर बताइए, लंबाई से किस प्रकार का विशेषण बनने वाला है? 76 का, तो लंबाई से जो विशेषण है दोस्तों लंबा, क्या लंबाई से विशेषण बनेगा? लंबा, देखिए लंबा लिखा है तो उससे बना देते हैं लंबाई, तो लंबाई से विशेषण बनेगा लंबा, ये चीज आप समझिएगा। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है, दोस्तों एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है, किसमें? किसमें जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है? एक देखिए पहले में दिया दूध ठंडा है, तो यार दूध कैसा है? ठंडा, तो विशेषण तो है। दूध मीठा भी नहीं है, तो विशेषण तो है मीठा,
मुझे गर्म दूध दो। दूध की विशेषता क्या बता रहा है? गर्म। दूध की विशेषता क्या बता रहा है? दूध कैसा दो? गर्म। तो गर्म क्या है इसकी विशेषण है? एक गिलास दूध लाओ। कहीं पर दिख रहा है दूध की विशेषता कोई बता रहा है कि दूध कैसा लाओ? भाई एक गिलास लाओ, गर्म पीला हरा दूध, कैसा दूध लाओ? तो यार डी में जो है ना, डी में विशेषण नहीं है। क्या डी में आपका विशेषण नहीं है? ये राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन था एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो यार डी में नहीं है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है? क्या काला कपड़ा? देखिए काला जो है, क्या काला कपड़ा, हरा कपड़ा, लाल कपड़ा, ये सभी क्या है? कपड़ा के गुण है। क्या है? कपड़ा के गुण है कि कपड़ा जो है किस प्रकार का है। क्या दोस्तों? कपड़ा किस प्रकार का है, ये कपड़ा का क्या है? गुण है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है दोस्तों, क्या कौन सा जो शब्द है विशेषण, ये आपको बताना है। चलिए 79 का राइट आंसर बताइएगा, कौन सा जो शब्द है विशेषण है। चलिए तो देखिए विशेषण जो है ना, देखिए सीता, तो यार सीता तो संज्ञा हो जाएगा, हमारा सर्वनाम हो जाएगा, रोना भी संज्ञा है। विशेषण पूछे तो विशेषण जो है नीला। देखिए जितने भी रंग है दोस्तों ये विशेषण है। क्या विशेषण है? नीला कपड़ा, लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, ये क्या है? सही विशेषता बताते हैं ये। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्या निम्नलिखित वाक्य में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? 80 नंबर का बताइए राइट आंसर। इसमें हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण किसमें है? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। क्या संगीत नहीं सुन रहा है? ये आपका क्या दोस्तों? तो दोस्तों ये आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ए राइट होगा। क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, सतीश चंचल बालक है। क्या दोस्तों? सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में जो चंचल शब्द है बताइएगा, चंचल जो शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है? क्या चंचल जो शब्द है किस प्रकार का विशेषण है? चलिए बताइए। तो चंचल जो शब्द दोस्तों आपका गुणवाचक विशेषण है। क्या है? चंचल शब्द गुणवाचक विशेषण है। इसका बी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, बुद्धिहीन शब्द। क्या दोस्तों? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस वर्ग में आता है? बुद्धिहीन, बुद्धिहीन किस में आएगा? तो बुद्धिहीन एक प्रकार का क्या है? विशेषण है। कहते हैं ना ये बुद्धिहीन व्यक्ति है। क्या इसे लिख्त, अगर लिख रहे देखेंगे समझाएंगे, यह बुद्धिहीन व्यक्ति है। क्या यह बुद्धिहीन व्यक्ति है? व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है बुद्धिहीन। क्या व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? तो व्यक्ति की जो विशेषता बता रहा है बुद्धिहीन। तो बुद्धिहीन क्या है? तो बुद्धिहीन एक प्रकार का विशेषण है। क्या दोस्तों? बुद्धिहीन एक प्रकार का विशेषण है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? क्या बताना है? कौन सा जो शब्द है गुणवाचक विशेषण है? तो उचित। क्या उचित जो है ये आपका गुणवाचक? क्या दोस्तों? उचित जो शब्द है ये आपका गुणवाचक विशेषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या राइट आंसर है? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विशेषण है संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। बताइए कौन सा जो शब्द है वो संज्ञा से नहीं बना है? 84 का राइट आंसर बताइएगा। देखिए संज्ञा से नहीं बना है ना, तो ये शब्द क्या दोस्तों? तो ये सुंदर है। देखिए सुंदर जो है ना संज्ञा से मिलकर नहीं बना है। ये हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सार्वनामिक विशेषण, यह कहानी रोचक है। इसमें जो यह है दोस्तों, क्या यह विशेषण का कौन सा भेद है बताइएगा? जो यह है दोस्तों, तो विशेषण का कौन सा भेद है? चलिए आंसर कर दीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी को राइट आंसर करना है कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यह कहानी रोचक है, इसमें जो यह है ना कौन सा विशेषण है? यह है।
क्या बताना है कि जो यह है कौन सा विशेषण है, तो यह आपका दोस्तों सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। अब समझिएगा, जितने भी सर्वनाम हैं वो क्या बनाते हैं? सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। यह है, वह है, हम, तुम, ये सब क्या है? मैं, ये सब क्या है? सर्वनाम है। क्या है? ये सब सर्वनाम है। यह क्या है? तो यह एक प्रकार का सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या बना दिया? सर्वनाम से बनता है सर्वनामिक विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, वह लड़का छोटा है, इसमें से वह जो दोस्तों किस प्रकार का विशेषण है? देखिए वह जो होता है सर्वनाम होता है, जब सर्वनाम है तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम है तो सर्वनामिक विशेषण होगा। क्या? सर्वनाम है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नौकर नहीं आया। क्या? वह नौकर नहीं आया, वाक्य में जो वह है कौन सा विशेषण है? क्या वह जो है दोस्तों कौन सा विशेषण है? चलिए बताइएगा, आपको बताना है कि वह जो है कौन सा विशेषण है। चलिए बताइए राइट आंसर, वह जो है कौन सा विशेषण है? देखिए तो वह जो विशेषण दोस्तों, देखिए वह क्या है? तो वह है सर्वनाम है। क्या दोस्तों? वह जो है वह क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम से क्या बनेगा? सर्वनामिक विशेषण। क्या बनेगा दोस्तों? सर्वनाम से जो बन जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो। क्या? ए नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस ग्रंथ में 500 प्रश्न है। दोस्तों उस ग्रंथ में 500 प्रश्न है, इस वाक्य में उस शब्द में कौन सा विशेषण है? दोस्तों देखिए जो उस होता है ना, यह आपका क्या है दोस्तों? दोस्तों जो उस है आपका दोस्तों एक व्यक्तिगत बात कर रहा है कि उस ग्रंथ में एक विशेष ग्रंथ की बात कर रहा है जिसमें 500 प्रश्न है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है क्वेश्चन, उस शब्द के दोस्तों शब्द दिया गया है, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेद किस श्रेणी में आता है? क्या विशेषण के भेद किस श्रेणी में आता है? 89 का राइट आंसर बताइए। 89 का राइट आंसर ये होगा दोस्तों गुणवाचक विशेषण। किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में जो प्रयुक्त विशेषण है, बताइएगा बताइएगा प्रयुक्त जो विशेषण है दोस्तों किस प्रकार का विशेषण है? चलिए बताइएगा, वह कुत्ता मेरा है। क्या? वह कुत्ता मेरा है, बताइए किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ पर जो दोस्तों, हाँ बताइएगा किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? ये विशेषण दोस्तों आपका किस प्रकार का विशेषण है? चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, देखते कितने लोग कमेंट में आंसर करते हैं, इसको कमेंट में इसका आंसर करना है, ये होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह घोड़ा अच्छा है में जो यह है दोस्तों, क्या यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में जो यह है क्या है? बताइएगा, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में जो यह है दोस्तों क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में जो यह है क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, क्या है वाक्य क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो कोई है दोस्तों वो क्या है? चलिए बताइए बताइए, कोई जो है वो क्या है आपको बताना है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, मैं कोई में देखिए जो कोई है ना दोस्तों ये एक प्रकार का सर्वनाम है, तो सर्वनाम से क्या बन जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। क्या बनेगा सर्वनाम से? तो सर्वनाम से बनेगा सर्वनामिक विशेषण बनेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्या? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइएगा, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर प्रयोग हुआ दोस्तों डी नंबर राइट आंसर हुआ,
वह लड़का फूल देकर चला गया। इसमें जो विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में जो यह है दोस्तों, क्या जो यह है, तो यह क्या है, चलिए बताइएगा, यह जो है क्या है, चलिए बताइए राइट आंसर कि यह क्या है। तो यह जो दोस्तों आप बता दें सर्वनामिक विशेषण है, क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। देखिए सर्वनाम से सर्वनामिक विशेषण, अगर शब्द जो है सर्वनाम है तो विशेषण पूछेगा तो सर्वनामिक विशेषण होगा, ये आप दिमाग में रख लीजिए। देखिए यह तो क्या है, यह सर्वनाम है, तो इससे क्या बनता है, सर्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण निर्देश अशुद्ध है, क्या विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, चलिए बताइए। यहाँ पर देखिए वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, वह नौकर दोस्तों एक विशेषण है भाई, इसलिए तो अशुद्ध होगा। वह नौकर जो है ना, एक यहाँ पर जो वह लिखा है इसमें हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, तो यही तो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनामिक विशेषण क्या है, तो दोस्तों सर्वनामिक विशेषण क्या है, यहाँ पर बताइएगा कौन है सर्वनामिक विशेषण, तो सर्वनाम कौन है, तो सर्वनाम है यह, तो यह सर्वनाम है, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, तो यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, क्या कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, चलिए बताइए 97 का राइट आंसर क्या बताना है, 97 का राइट आंसर बताना है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, तो कोई शब्द में जो विशेषण का बोध होता है वो आपका होता है सार्वनामिक विशेषण, किसका बोध होता है, सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, क्या उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसका राइट आंसर बताना है, बताइए राइट आंसर, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का बोध है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, सर्वनामिक विशेषण है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक है, या गुणवाचक विशेषण है, अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों सर्वनामिक विशेषण है, क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्यावाचक विशेषण में क्वेश्चन देखिए क्या है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, क्या एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। यहाँ पर जो बात किया गया है ना, क्या दोस्तों यहाँ पर जो बात किया गया है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें एक है, इसमें गणना की बात कर रहा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, दो लड़का स्कूल जा रहा है, 100 लड़के स्कूल जा रहे हैं, गणना करके बता रहा है, जब गणना की बात आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गणनावाचक क्या हो जाएगा, गणनावाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गणनावाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, कितना गुना, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, चलिए बताइए विशेषण, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचान कर बताइए, इसमें आवृत्तिवाचक, क्या है, आवृत्तिवाचक, दो गुना, तीन गुना, चौगुना, पाँच गुना, छठ गुना, है ना, ये सब क्या है, आवृत्तिवाचक सर्वनाम होते, वो विशेषण होते, क्या होते हैं, आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। चलिए तो ये दोस्तों बता दें आपको, क्लास जो पांचवा था आज का दोस्तों यही प्रश्न को समाप्त करते हैं, सभी दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी दोस्तों को शेयर करने पढ़ने वाले ताकि मनोबल बढ़े, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे वीडियो उतना जल्दी जल्दी आता जाता आएगा, और लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े रहे। चलिए सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक में क्यों कंजूसी करते हो, लाइक फटाफट से लाइक ठोको, है ना, लाइक फटाफट से ठोको, ठीक है, लाइक नहीं रोकना चाहिए, है ना, और कमेंट करके जरूर बताओ यार कैसा आपको वीडियो लगा, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो डैट यार मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ, एक कोई भी एजुकेशन ग्रुप हो उसमें आप जरूर शेयर कीजिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। डेली बेसिस पे दोस्तों मैं रेलवे ग्रुप डी की आपको तैयारी करा रहा हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो यहाँ मिस ना हो सके। ठीक है, मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जो बच्चा नया है उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने बच्चे ऑलरेडी 2000 से ज़्यादा बच्चे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है, तो वहाँ आपको सर्च करना है गुरुकुल प्लस। जैसे ही साथियों आप सर्च करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, हमारा ये लोगो है दोस्तों, ठीक है, जिस पर आपको डाउनलोड करना है। जैसे दोस्तों बेसिकली मैं ओपन डाउनलोड कर रखा हूँ एप्लीकेशन को, तो आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए सबसे पहले दोस्तों आपका रेटिंग और रिव्यू का ऑप्शन है। सबसे पहले भाई रेटिंग रिव्यू जरूर करो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, बहुत ही बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म है, लाखों रुपए पे कर रहे हैं कि सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और कोर्स लॉन्च करते हैं, जहाँ पर दोस्तों 5 से 6 हज़ार के कोर्स रहते हैं। दोस्तों हमारा मोटो है कि आपको बहुत ही नाम मात्र शुल्क में, यार भाई 21 रुपये में कोई कोर्स करा रहा है, 29 रुपये में कोई कोर्स करा रहा है, इतने सस्ता कौन दे पाएगा, है ना दोस्तों। आपको इतने सस्ते सस्ते कोर्सेज यहाँ पर कराए जा रहे हैं, बिल्कुल नाम मात्र आपसे शुल्क लिया जा रहा है, ताकि हम लोग केवल यार ऐप का सर्वर चार्ज उठा सकें। बाकी दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से, और इसके अलावा तो दोस्तों क्या है ना, जो बड़े प्लेटफॉर्म है मतलब वो एक्वायर नहीं कर पाया, तो वो मार्केट ख़राब करने के पूरे बाजार में, तो वो क्या करते हैं, मतलब जो अपने स्टूडेंट वगैरह रहते हैं तो उनसे मतलब फेक रिव्यू कराते हैं, फेक रेटिंग कराते हैं। दोस्तों इस वजह से थोड़ा सा हमारा रेटिंग कमज़ोर है। दोस्तों मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, रेटिंग और रिव्यू आप जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों के मुँह पर एक तमाचा पड़े। ठीक है, तो आप रेटिंग और रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, और आपको रेटिंग और रिव्यू कैसा करना है वो सुनिएगा आप लोग, जैसे ही आप दोस्तों इसको ओपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है, वैसे होता कुछ भी नहीं है, बाकी इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यार भाई इससे सस्ता आपको कंटेंट दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। 99 रुपये में भाई मैंने कोर्स लॉन्च किया है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, है ना, लाइफ टाइम वैलिडिटी का। दोस्तों मोस्टली यहाँ पर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्ज हम लोगों ने रखा, ताकि यार हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें, समझ सकते हैं आप लोग। देखिए, आपको यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग आप जरूर दीजिएगा। एडिट और रिव्यू पर आपने क्लिक किया, देखिए मैं बता रहा हूँ, एडिट ये और रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपने साथियों क्लिक किया तो ऐसे आपको यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग देना है, अपना बताना है कि आपको गुरुकुल प्लस के चैनल से कितनी मदद मिली है। ईमानदारी से बताइएगा, आपको मेरी हमारे चैनल से 1% ही प्लस पॉइंट मिला हो तो ये आप जरूर बताइएगा, है ना, बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और मेहनत कर पाता हूँ, और भी साथियों मैं आप लोगों के कंटेंट उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है, और ठीक है आप रिव्यू जरूर कीजिएगा, है ना, और फिर आप पोस्ट कर सकते हैं, आपने रेटिंग रिव्यू किया फिर आप इसके बाद पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, और इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले ऐप ओपन करना है। ठीक है, ऐप ओपन करना है, देखिए जैसे मैंने ऐप ओपन कर लिया। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल दोस्तों स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, लगभग 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा यार, है ना, तो जिनका जो जल्दी है तो वही स्किप कर सकते हैं वीडियो, है ना। और देखिए दोस्तों इस प्रकार के लाइव पोल भी यहाँ पर चलते रहते हैं, जो कि 3 पोल आपके रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने आंसर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी आपकी क्विज के फॉर्मेट में चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, और जैसे आपका यहाँ पर ये आप कुछ भी आप टिक कर लीजिए, इस प्रकार के साथ यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार दोस्तों इंटरफेस है, काफ़ी बच्चों के दोस्तों गुरुकुल प्लस के चैनल सिलेक्शन हुआ, रेलवे NTPC में कुछ बच्चों के 90 नंबर आए हैं, कुछ के 80 नंबर आए हैं। ठीक है, तो अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके पास भी ऑप्शन आता है तो आप बुक कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते हम लोगों ने दोस्तों कोर्स रखे हैं, बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में रखे गए हैं कोर्स। ठीक है, देख सकते हैं आप साथियों, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बता रहा हूँ, मैं आपको दोस्तों पूरा बताऊंगा फ्री कंटेंट आपको कहाँ कहाँ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आपको यहाँ फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, कुछ 2-3 टेस्ट हम लोगों ने डाल रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों, टेस्ट है बहुत ही शानदार है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ प्राइवेसी इश्यूज हैं, इस वजह से आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी, बाकी आप ऐप में जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट हमने लगभग यहाँ से 40 से 50 हज़ार रुपये का कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं बाच वीडियो पर आपको क्लिक करना है। अभी हम लोग दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें और आपको इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, देख सकते हैं आप, और जो भी दोस्तों कुछ मोटिवेशनल वीडियो होती है जो आपके अंदर आग लगाते हैं वो सब वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।
देखिए आप जो भी मोटिवेशनल वीडियो है वो भी मैंने यहाँ पर रखी है, बिल्कुल आप लोगों की, बिल्कुल दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब आपके लिए सोच समझ की चीज़ें रखी गई हैं। अब जितनी भी यूट्यूब क्लास होती है उन सब की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यूट्यूब क्लास पीडीएफ का मैंने फोल्डर बना दिया है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी जितनी भी यूट्यूब की क्लास होती है उन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा साथियों यहाँ कंप्लीट क्लास नोट्स फ्री, जितने भी नोट्स हैं मुखर्जी नगर जयपुर जितने भी इंपॉर्टेंट जितनी भी कोचिंग्स हब हैं वहाँ के नोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराए जाते हैं। देखिए आप दोस्तों बहुत सारी जितने भी पेड कोर्सेज हैं उनकी आपको बेसिकली पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, देख सकते हैं आप, है ना दोस्तों। लगभग हज़ारों रुपये का कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। और जीएस कंप्लीट बुक पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दी जाएगी, जीएस की जो किरण वगैरह की बुक आती है, स्पीडी वगैरह की बुक आती है, और जो अपना घटना चक्र वगैरह इन सब की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग रीजनिंग पर क्लिक करते हैं तो रीजनिंग में साथियों आपकी यहाँ पर आपको यूथ कॉम्रेड टाइम्स की जो बुक आती है उसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जो रेलवे ग्रुप डी वाली बुक आती है, रेलवे की बुक आती है इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, किरण की पीडीएफ मिल जाएगी, और भी आपको जितनी सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। मैथ कंप्लीट बुक पे आएंगे तो आर एस अग्रवाल वगैरह की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यूथ कॉम्पिटेंट टाइम्स की जो बुक आती है उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और त्री की मैथ मैथ की एक बुक आती है वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी बुक्स की साथियों यहाँ पर पीडीएफ आपको डाल रखी है, और भी साथियों टाइम टू टाइम मैं चीज़ें डालता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अपडेट अपग्रेड होना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस नाउ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस नाउ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए, यहाँ पर टेस्ट सेक्शन वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, जितने भी फ्री टेस्ट वगैरह हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, दम से अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों, बिल्कुल मैंने बनाया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये टेस्ट यार जरूर अटेम्प्ट करें, है ना, फ्री की चीज़ है यार, है ना। और बाकी ऑफलाइन डाउनलोड में कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करेंगे तो ऑफलाइन डाउनलोड में आ जाएगा, ठीक है। और चेक परफॉर्मेंस में क्या होता है साथियों, मतलब आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, ये सब आपको चेक परफॉर्मेंस में बेसिकली आपका आ जाएगा, ठीक है। आपके स्कोर कितना क्या रहा है, कोर्स मतलब कितना क्या स्कोर रहा है, सब आपका परफॉर्मेंस में पता चल जाएगा, ठीक है, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं साथियों, आपको देखिए फ्री टेस्ट वगैरह दोस्तों इस बारे में आपको सब ऑप्शन फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। अभी हम लोग डेली बेस पर और भी डालते जा रहे हैं, अभी एक दो टेस्ट डले हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और भी हम लोग टेस्ट डाल देंगे। ये वाला टेस्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अटेम्प्ट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा साथियों अब हमको चलना है, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आपको चैट ऑप्शन दिया जाता है, चैट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है, तो गुरु को प्लस को क्लिक कीजिएगा आप, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो आप यहाँ पर जाकर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं पर्सनल दोस्तों मैं यूज करता हूँ इस ऐप को, तो मैं आपका रिप्लाई हाल के हाल कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा स्टोर वाले पर क्लिक करेंगे आप तो साथियों यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज बेसिकली कराए दिए जा रहे हैं, ठीक है। पेड कोर्सेज बहुत ही सस्ते हैं यहाँ पर, मतलब यार 99 रुपये में आपको हिंदी का कोर्स पूरा करा जा रहा है, पूरा वैलिडिटी लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी भर की वैलिडिटी कोई आपको दे सकता है इतना सस्ता कोर्स, भाई बताओ। देखो 2100 रुपये में कोर्स आपको 2100 रुपये में भाई कोर्स करा दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। स्पीडी का पूरा पूरा स्पीडी आपको 2100 रुपये मात्र कराई जा रही है, वो भी पीडीएफ टेस्ट सब कुछ दिया जा रहा है, इससे सस्ता दोस्तों आपको कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है। बस केवल आपसे दोस्तों सर्वर चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है, केवल ऐप का मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, बाकी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिए जा रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको सारा कंटेंट यूट्यूब वगैरह पर फ्री आपको दिया ही जा रहा है, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, यहाँ पर मैं डेली बेस जब चाहे आपके लिए टेस्ट वगैरह डालता रहता हूँ और क्विज वगैरह भी डालता रहता हूँ, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, उनको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप यहाँ पर चैट ऑप्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर साथियों आपका आप कोई भी बैच वगैरह लेते हैं तो आपका यहाँ पर ग्रुप चैट का ऑप्शन रहता है, और भी बहुत फीचर्स रहते हैं, 24/7 डाउट वाला भी ऑप्शन रहते हैं जिसमें आप कभी भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है।